जब कोई स्टॉक आपको डिस्काउंट पे मिले, अच्छा स्टॉक जब डिस्काउंट पे मिले, तब उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, ना कि जब स्टॉक वो आपने हाई प्राइस पे हो। जब कोई स्टॉक डिस्काउंट पे आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, उसमें हैवी क्वांटिटी बाई करना चाहिए। जैसे ये स्टॉक अभी आपको ये 13% का डिस्काउंट पर मिल रहा है, आप इसमें बाई कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। तो इसको स्मॉल कैप स्टॉक में जब आप पैसा लगाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा, क्योंकि जब कोई स्मॉल स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे तो वो अच्छा है, यदि फंडामेंटली अच्छा है, तो वो जब ग्रो होगा ना, तो वो आपका पैसा 10 गुना 20 गुना करके देगा। आप 10,000 लगाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा देगा, ना कि आप ब्लू चिप कंपनी में लगाओगे तो वो ग्रो नहीं होगा, वो मल्टी बैगर आपको नहीं रिटर्न देगा। तो आप लोग देख सकते हो, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो इसका 1181 रुपये का लिस्ट हुआ था, आज इसका प्राइस है 1565 रुपये। तो अभी ये रिसेंटली लिस्ट हुआ था 22 सितंबर 2023 को, एंड अभी 1 साल नहीं हुआ इसको, तो आप लोग इधर देख सकते हो। और मैं इसमें इन्वेस्ट करने की बात करूँ, तो आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो मैं उसका रीजन बताऊँ। आप लोग देख सकते हो, जो प्रमोटर होल्डिंग है इसमें ऑलमोस्ट 62% के आसपास है, एंड जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो 9.5% के आसपास है, एंड फॉरेन कंट्री के बंदे 6.5% के आसपास इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक है। एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग अभी रिसेंटली जून में अपना बैटेज इसमें इंक्रीज़ किया है, तो एक ये गुड साइन है कि जून में म्यूचुअल फंड होल्डिंग वालों ने अपना बैटेज इंक्रीज़ किया। अब मैं बात करूँ इसका सेल्स का, तो आप लोग देख सकते हो 3 साल के अंदर जो सेल्स किया 34% का, एंड 5 साल के अंदर जो सेल्स किया 22% का, एंड 3 साल के अंदर जो प्रॉफिट किया है वो 30% का, एंड 5 साल के अंदर जो प्रॉफिट किया है वो 27% का प्रॉफिट किया है। एंड जो मार्केट कैप है इस कंपनी का, आप लोग देख सकते हो 17,715 करोड़ रुपया है। एंड जो कंपनी का नाम है आर आर केबल है, तो आने वाले समय में आप देखोगे इतने ज़्यादा बिल्डिंग बनना है, सब कुछ बनना है, केबल का तो डिमांड रहेगा ही रहेगा, तो आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा आपको पैसा कमा के देगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले समय में ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा।